हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीएक्सपी गेमिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया माइनक्राफ्ट 1.19 के टॉप 3 बेस्ट टेक्सचर पैक। इन सारे टेक्सचर पैक की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर सारे पैक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यार, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे लिस्ट में जो नंबर 1 पर टेक्सचर पैक निकल के आता है उसका नाम है रियल सोर्स RTX टेक्सचर पैक। इसलिए शेडर का आपको फर्स्ट व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम देखने को मिलता है। यहाँ भी आपको ग्रास का टेक्सचर कुछ ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको पानी भी कुछ मस्त देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आप नैदर वाली साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको नैदर भी बहुत ज़्यादा मस्त देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्होंने मैग्मा ब्लॉक का कलर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया और यहाँ पे लावा भी बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है। यहाँ पे लावा और पानी साथ में कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको टूल्स कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे खाने का सामान भी बहुत ज़्यादा सही देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एन्चेंटमेंट टेबल कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है और यहाँ पे आपको ओर्स का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा मस्त देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको नेचर में कुछ ऐसी मस्त वाली वाइब्स आएंगी और जैसे ही आप स्काई में जाओगे तो आपको कुछ ऐसा स्काई देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे नाइट भी आपको बहुत ज़्यादा ऑसम देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे आपको आर्मर का टेक्सचर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और वुड का टेक्सचर भी इसके शेडर में बहुत ज़्यादा ऑसम है जैसे कि आप देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको क्रॉप्स कुछ ऐसे देखने के मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और इस वाले शेडर में आपको बहुत ज़्यादा मस्त वाले बेड देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। और इस वाले शेडर में आपको लश केव ड्रिप्सन वाली वाइब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर आपको मॉब्स का टेक्सचर भी हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। ये आपको ये वाला टेक्सचर पैक अच्छा लगा तो गाइस चलते हैं यहाँ से अपने सेकंड नंबर वाले टेक्सचर पैक की तरफ। तो गाइस लिस्ट में सेकंड नंबर वाला टेक्सचर पैक निकल गया था उसका नाम है मल्टी पिक्सल टेक्सचर पैक। इसलिए टेक्सचर पैक पे आपको बहुत ज़्यादा ऑसम देखने को मिल जाते हैं ओर्स और यहाँ पर आपको ग्रास का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको पानी बहुत ज़्यादा सही देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर नैदर वाली साइड जाओगे तो यहाँ पर आपको नैदर बहुत ज़्यादा मस्त देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए टेक्सचर पैक में अगर कुछ ज़्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिलते और पानी और लावा साथ में कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे आपको टूर्स भी कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं और खाने वाला सामान भी आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर आपको नेचर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको आर्मर के टेक्सचर भी कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे आपके वुड का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा ऑसम देखने के लिए मिल जाता है, खासकर तो प्लैंक्स का, जिसके आपको पिक्सल बहुत ज़्यादा ऑसम देखने को मिल जाएंगे। आइयो आपको ये वाला टेक्सचर पैक भी अच्छा लगेगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं यहाँ से अपने थर्ड नंबर वाले टेक्सचर पैक की तरफ। तो गाइस जो थर्ड नंबर में टेक्सचर पैक निकल कर आता है उसका नाम है जोन स्मिथ टेक्सचर पैक। इसलिए शेडर पैक का आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आपको ग्रास का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ऑसम देखने को मिल जाता है और साथ के साथ पानी का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ऑसम है। जैसे आप यहाँ पे नैदर में जाओगे तो यहाँ पे आपकी गाइस पूरी लुक चेंज हो जाएगी नैदर की और यहाँ पे आपका पानी और लावा कुछ साथ में ऐसे देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर एन्चेंटिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा ऑसम देखने को मिलती है। यहाँ पर टूल्स भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको खाने का सामान भी बहुत ज़्यादा ऑसम देखने को मिलता है। साथ के साथ ओर्स भी आपको बहुत ज़्यादा सही देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। यहाँ पे आपको नेचर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है ओसम सा। यहाँ पे आपको आर्मर का टेक्सचर कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है जो कि गाइस पुराने ज़माने के आर्मर की तरह देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख ही सकते हो। यहाँ पर आपके वुड का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ पे आपको बेड का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे आपको ड्रिपस्टोन और लश के वाली बायम भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ के साथ माइन शाफ्ट भी। आई होप आपको सारे टेक्सचर पैक अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर तो कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे मज़ेदार वीडियो के साथ। वापिस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।